खबरों को जानने के लिए टाइप करें विस्फोटक न्यूज, सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। तो हम लोग काला कानून क्यों कह रहे हैं? क्यों है ये काला कानून? इसलिए कि इसमें किसानों से ये कहा जा रहा है कि अब आप किसी को भी अपना सामान बेच सकते हैं, यानी सरकार अब समर्थन मूल्य खत्म करेगी इस देश में। यानी अगर किसान से कोई व्यापारी, कोई पूंजीपति, कोई अडानी, कोई अंबानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर 20 रुपए किलो गेहूं का दाम हो और 10 रुपए किलो में भी खरीद ले, तो कोई कानून नहीं है इस बिल में, कोई कानून इस बिल के अंदर ऐसा नहीं है जो उन्हें रोक सके, कोई धारा ऐसी नहीं है जो उन्हें रोक सके। यानी किसानों का शोषण करने में ये बिल खुली छूट देता है। और क्या कहता है? असीमित भंडारण आप कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, छोटा किसान तो असीमित भंडारण करेगा नहीं, बड़ा बड़ा पूंजीपति छोटे किसानों से धान खरीदेगा, गेहूं खरीदेगा, आलू खरीदेगा, प्याज खरीदेगा, चना खरीदेगा, तमाम सामान, तमाम उपज खरीद कर वो उसको बड़े बड़े स्टोरेज के अंदर, कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखेगा, और जब मार्केट में उसकी कमी हो जाएगी तो ज्यादा दाम पे बढ़ाकर उसी किसान को बेचेगा। बीजेपी कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं, सारे मंत्री कह रहे हैं, नहीं नहीं साहब, एमएसपी हमने खत्म नहीं की, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा। अरे झूठ बोलने के मास्टर हैं ये लोग, भाषणबाजी के मास्टर हैं, इनके चक्कर में मत फंसिएगा। सिर्फ एक चीज इनसे पूछिए, एक चीज, इस बिल में न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र कहां है?